जंगल में लेके जाएंगे पूरा उल्लू फुल सैडली वर्ल्डिंग करके, पूरा ऑफ रोडिंग करते करते। क्या बात है, वो भी खुद राइडर है। कहाँ पे? अरे हाँ, गुफा है यार। तो केलवाड़ा मार्केट में वो देखो, हमें लहसुन की शॉपिंग कर। ये देखो नीचे है ना भाई, स्पीति रिवर वैली है। फिलहाल है ना, सबजन सो गए, आपका भाई अकेला चलाते जा रहा है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुंभलगढ़। ठंडी में कैंप साइट पे पहाड़ों में सुबह 6:30 बजे उठ के रेडी होना भाई खतरनाक है। तो नहाना वाना कुछ नहीं, मुंह वूह धो लिया है, वापसी है मुंबई। खूबसूरत सफ़र रहने वाला है, क्योंकि 830 किलोमीटर है यहाँ से मुंबई, जो हम लोग एक दिन में कवर करने वाले हो ही सकते हैं भाई। बाइक पे हम मार रहे हैं उदयपुर से मुंबई, तो गाड़ी में तो हो ही सकता है, लेकिन कैसे है, सबजन साथ में है, ट्रैफिक लगेगा, थोड़ा रुक रुक के जाएंगे तो थोड़ा लेट होगा, बट प्यारा रहेगा सब कुछ। तो निकलते हैं मस्त में जाके, नीचे चाय और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते, और फिर ये खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलते यार। पीछे मतलब ये जो पीछे का नज़ारा है ना भाई, मिस करूँगा यार, बहुत बहुत टाइम तक मिस करने वाला हूँ। बहुत ही प्यारी यादें बना के जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया। मतलब इतना फ्रेश एयर पहाड़ों में, खूबसूरत सा सनराइज़, खूबसूरत सा सनसेट, जंगल भाई खतरनाक था सब कुछ। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सुबह, ठंडी ठंडी सुबह मेरे भाई। गुड मॉर्निंग, बाबा जी। वो देखिए, चंदा मामा की ड्यूटी खत्म नहीं हुई अभी तक, अपने सूर्य देवता ड्यूटी पे लगने के लिए पूरी तरह तैयार आज के दिन। चलो बाबाए मेरे दोस्तों, जल्दी फिर मिलेंगे। जो तुम लोग ने हम लोग को सुकून वाली नींद दी है ना 2 दिन भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और ये नज़ारे के सामने वो भी यार, क्या ही बताओ आपको, बहुत ही प्यारा। एक्चुअली मन नहीं कर रहा है मुझे नीचे जाने का, क्योंकि यार बहुत प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है, तो पूरे सूर्य देवता जब ऐसे ऊपर आ जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगने वाला था। तो सोच रहा था टाइम लैप्स लगा दूँ, लेकिन यार लेट हो रहा है, 5-5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, 830 किलोमीटर कवर करने हैं, आगे जाके फिर ट्रैफिक भी मिलेगा, तो इसके लिए ये वाला टाइम लैप्स सनराइज वाला मिस करना पड़ेगा। नीचे जाते मस्त में गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते भाई। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, इसको जंगल में लेके जाएंगे पूरा उल्लू फुल सैडली वर्ल्डिंग करके, पूरा जंगल में ऑफ रोडिंग करेंगे इसके साथ। फिलहाल ऐसे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी चेन उतर गई है तो चल रही नहीं है भाई, नहीं तो एक राउंड मार लेते थे इसमें। चीज़ भाई कुंभलगढ़ की, ये सीरीज की कुंभलगढ़ में आखिरी चाय की चुस्की भाई, वीडियो के लिए नाश्ता करते को और एक पी लेंगे। तो भाई कुंभलगढ़ कैंप साइट का ये ट्रिप का आखिरी नाश्ता, आलू के पराठे, दही और चटनी। तो भाई लोग निकलने का वक्त आ गया है, मनोज भाई को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आप लोग कुंभलगढ़ आ रहे हो ना भाई, कुंभलगढ़ के पहाड़, जंगल और इधर की खूबसूरती अगर एक्सप्लोर करनी है ना, तो सिर्फ ये ही इंसान है जो करा सकते हैं, क्योंकि भाई एडवेंचर बिगिंस विद मनोज भाई कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में क्या, राजस्थान के काफी इलाकों में ना वो काफी एडवेंचर कैंप्स कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर कुछ भी रहेगा, राजस्थान आ रहे हैं, कुंभलगढ़ आ रहे हैं, मनोज भाई का कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, उनका इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ, फॉलो कीजिए। बाकी तो नजारा आपने देख ही लिया यहाँ का कैंप साइट का, बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू। और बता रहा, अरे मजा आ गया भाई। चलो भाई ऑल सेट है, यहाँ से मुंबई 830 किलोमीटर, खूबसूरत सफर कुंभलगढ़ को, बाय बाय। गणपति अप्पा, मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो भाई लोग एक सीन हो गया, हम लोग वापस कैंप साइट आ गए, क्योंकि मेरा जो चार्जिंग वाला पूरा पाउच है ना, जिसमें चार्जिंग कॉर्ड्स है, मैकबुक का चार्जर है,
अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, कनेक्टर है, सब कुछ उसमें है, माल मसाला वही मैं भूल गया था तो वो मिल रहा नहीं था, तो इसके लिए अभी मैं हाँ इधर ही रुकना है भाई, इधर जाने का भी नहीं आगे, वो आ रहा है इधर, ये मंदिर के इधर आ रहा है वो भाई, भूल गए कुछ तो उसका पूरा फायदा उठाना है, तब तक के लिए नजारा एंजॉय करते। वो देखो उधर से आ गए मनोज भाई, हो मनोज भाई आ रहे, पूरा ऑफ रोडिंग करते करते, क्या बात है, वो भी खुद राइडर है भाई, राइड गजब की करते। वो देखो अपनी ब्लू बैग उधर लटकी हुई है, गद्दे के आप सोए थे उसके एकदम नीचे, थैंक यू, ब्लैंकेट बाहर निकाले तो भी नहीं मिला। मैंने कहा यार सर आ रहे हैं, सही है ये, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। मतलब ये किधर, ये वाला इंडिया, ये पाकिस्तान है क्या, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए आप। मतलब कैसे देखिए, अपुन लेट हो रहे, अपुन बैग भूल गए, उसमें भी अभी आए हैं और मनोज भाई हम लोग को बता रहे इधर से ये देखिए ये व्यू है वो व्यू है, तो बोले चलो देख लेते हैं यार कहाँ पे, अरे हाँ गुफा है यार, वो देखो देवी की है क्या वो, वहाँ पे एक संत भी रहता है, महात्मा भी रहता है, रहते हैं वहाँ पे अभी भी रहते हैं ना, अरे माँ कसम, जाते कैसे यहाँ पे चढ़ के, पैदल पैदल ऊपर से नीचे उतरते हैं आप, पराग सर बल्ली आगे आना तो एक वीडियो ले लो मस्त। तो ये देखिए ये अपनी कैंप साइट है और वहाँ देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट, क्या ही लग रहा है यार। और वहां पे देवी माँ की गुफा है, हा। तो देखो भाई मनोज भाई की ना बात यही सही है, मतलब वो कुछ हम लोग भूल गए थे वो लेके आए, उसमें भी हम लोग को वो एक्सप्लोर करा रहे कि अभी इधर तक आ ही गए क्योंकि दूसरे पहाड़ पे आए थे, बोले इधर तक आ ही गए तो यहाँ से फोर्ट दिखाते हैं, यहाँ से ये देखते, ऐसा रहना चाहिए यार, ऐसा रहना चाहिए। बाकी मेरे वजह से मनोज भाई को थोड़ी तकलीफ हो गई, तो भाई ठीक है अभी फटाफट निकल लेते, नहीं तो इधर ही रुक जाएंगे हम लोग आज का दिन भी। मनोज भाई बाय बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। तो ये है पूरा खेलवाड़ा मार्केट, यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो यहाँ से ही ले सकते हैं, फिलहाल सुबह का टाइम है, बहुत ही जल्दी है, हम लोग तो सब दुकान बंद है काफी सारे, बट काफी बड़ा मार्केट है। तो खेलवाड़ा मार्केट में वो देखो मैं लहसुन की शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि लहसुन भाई मुंबई में बहुत महंगी हुई है, तो दोनों अमय और अंकुर घर पे लेके जाने के लिए लहसुन की शॉपिंग कर रहे हैं। बाकी ये खेलवाड़ा मार्केट है, तो आते वगैरह ना हम लोग नाथद्वारा से आए थे, तो दूसरे रास्ते से आए थे, अभी सीधा उदयपुर निकल रहे हैं क्योंकि अपने को मुंबई जाना है, तो अभी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और ये रास्ता है ना थोड़ा और प्यारा है, पूरा ऐसे जंगल का फील आ रहा है ये रास्ते। भाई अपुन किधर आ गए, हिमाचल, हिमाचल दोनों साथ में बोले, हिमाचल के जैसा फील आ रहा है, मेरे से हिचामल है। हिचामल नहीं भाई, ये हिमाचल के जैसा ही लग रहा है, कहाँ आ गए ये, गूगल मैप्स कहीं गलत तो नहीं लेके आया, आ गए हम। ये देखो नीचे है ना भाई स्पीति रिवर वैली है, मिसइंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो भाई साहब। ये देखो नीचे पूरी स्पीति रिवर है, हम आ गए हैं, हम पहुंच गए हिमाचल अभी। ये आदमी आपको बहुत गलत इंफॉर्मेशन, हिमाचल के पहाड़, हिमाचल की नदियां, और राजस्थान के रास्ते, और रास्ते हैं राजस्थान के। मैं एक्चुअली स्पीति का फील आ रहा है मुझे, रास्तों के काम चालू है, पहाड़ तोड़ने का काम, पूरा ऑफ रोडिंग भाई, सच्ची हिमाचल में आ गए। तो भाई साहब तगड़े ऑफ रोडिंग के बाद कम से कम एक डेढ़ घंटे का पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता था, उसके बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे 27, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नेशनल हाईवे 27 पे पहुंच गए, और अभी सीधा 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 सीधा
पहले पहुंचेंगे अहमदाबाद। चलो भाई लोग, चलो भाई लोग, गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट रुकेगी, चलो। चीयर्स 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 भाई। ये चाय बनती थी क्योंकि सब जन सो गए थे, आधा पौना घंटा ना गाड़ी में सब सो गए थे। आपका भाई सिर्फ गाड़ी चला रहा था तो उसको भी हल्की हल्की नींद आ रही थी, तो एक चाय की चुस्की बनती है। तो भाई गुजरात में एंट्री करने के लिए लग गया जाम, राजस्थान छोड़ के हम लोग अभी गुजरात में एंट्री कर रहे हैं। वेलकम टू गुजरात। गुजरात देश में सबका स्वागत है। तो भाई अभी बज रहे दोपहर के 2:20 और वक्त है कुछ खा लेने का। सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद सिर्फ एक चाय पी है। तो हम लोग बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, इसके लिए लंच करने के लिए ऑनेस्ट में रुके। भाई नॉर्थ में साउथ का स्वाद खाया जाएगा, मसाला डोसा। ज़्यादा हेवी लंच करना नहीं है क्योंकि भाई आज ना लंबा सफ़र है और बहुत किलोमीटर जाने है, 500-550 किलोमीटर और जाना है। तो भाई थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे, इसके लिए मंगाएगा डोसा, डोसा खाएंगे और सोसा हो गया। भाई अभी गुजरात में है तो डीजल ब्रेक ले लिया गया है। राजस्थान में ना हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ पूरे इसमें ना 1000 रुपये का डीजल भरा, बाकी हम लोग ने राजस्थान में डीजल नहीं भरा, जो है वो गुजरात में ही डीजल भरा है। अभी वापस मुंबई में महाराष्ट्र में एंट्री करते वक्त देखेंगे, अगर लगेगा तो पहले ही गुजरात बॉर्डर में पहले भर देंगे, सस्ता पड़ जाता है ना। चलो भैया 130 का टोल भर के लग जाते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पे। हम लोग जब बाइक पे आते हैं ना भाई अहमदाबाद में, ये तो अभी अपन एक्सप्रेसवे जा रहे हैं सुकून वाली जिंदगी, इधर से आते वक्त ज्यादा तकलीफ है अहमदाबाद में यार, पूरा सिटी का ट्रैफिक लगता है, 1-1.5 घंटा हम लोग का उसमें ही चले जाते हैं, पसीने से लथपथ, पूरे लथपथ। दिखा रहा है 423 किलोमीटर और 8 घंटा लगेगा, रात को 1:21 पे पहुंचेंगे और एक्सप्रेसवे पे लग गया है तगड़ा जाम। तो भाई वडोदरा से जा रहे हैं, तो वडोदरा की ना दो चीजें बहुत फेमस है, एक वडोदरा का राइडर अभिषेक बचपन और एक भाई जगदीश की भाकरवड़ी। तो जाते जाते भाई आज गाड़ी में अल्टर बाइक पे रहते तो ये सब कुछ लेने को नहीं मिलता है, तो भर भर के लेके जा रहे हैं। तो सबने जगदीश की भाकरवड़ी ली है, ये कोई प्रमोशन नहीं है जगदीश का भाई, अच्छी है, लगी अच्छी तो लेके जा रहे। भाई डिनर टाइम, डिनर टाइम, सूरत के आगे डिनर टाइम, लेकिन अपने को मिला है नॉनवेज रेस्टोरेंट गुजरात में फाइनली, क्योंकि 3-4 दिन से काठियावाड़ी, चार दिन से शेव टमाटर ये वो सब राजस्थानी वेज का रखा है, और उसमें भी वो भी एक अलग मजा था, लेकिन अभी तलब है नॉनवेज की सबको, चारों को। मतलब हम लोग जब से निकले ना भाई नॉनवेज खाने नॉनवेज खाने, तो अपने को नॉनवेज रेस्टोरेंट मिल गया। तो जाते रात के बज रहे हैं एग्जैक्ट 10 बजे जस्ट सूरत के आगे आए हैं और अपने को अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर जाना है। नाश्ता बोल रहा हूँ, क्या करने वाले अभी अपन डिनर, नाश्ते में तो नॉनवेज अंडा ही खाते, मस्त में नॉनवेज का डिनर करते और फिर अपना सफर मुंबई की तरफ शुरू रखते हैं। तो यहाँ पे आ गई अपनी चिकन तंदूरी और फूड इज, अब भाई देखो देख रहे, देखो कैसे माहौल, देखो कैसे माहौल, देखो सब जन देख रहे उसके ऊपर, टूट पड़ो भाई लोग, टूट पड़ो। फिलहाल है ना सब जन सो गए, आपका भाई अकेला चलाते जा रहा है सुबह के 2:30 बजे, बस अभी 30-40 किलोमीटर और पहुंच जाएंगे घर पे। ट्रैफिक ने 1 घंटा वेस्ट कर दिया अपना, तगड़ा मजा आया। लेकिन सुबह चालू किए थे 8 बजे, सुबह के 2:30 बज रहे, बस चलाते जा रहे हैं। बस अभी 0.5 किलोमीटर तुझे चलाना है, बाकी इधर तक तो मैं लेके आ गया, तेरी नींद भी हो गई है सुबह के 4 बजे। बाय बाय। फूल देखिए क्या निखर के आया है, हा 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 हा, क्या ही लग रहा है यार।
लगभग 18 घंटे की ड्राइव करके भाई कुंभलगढ़ से मुंबई पहुंच गए। वहां से सुबह, कल सुबह 8 बजे शुरू किया था, आज सुबह 4 बजे मुंबई पहुंचे। एक्चुअली सीन क्या था मालूम है कि इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन जब हम कुंभलगढ़ से भी निकले ना भाई, रास्ते का काम चालू था, इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक था। और भाई महाराष्ट्र में जैसे एंटर किया ना, विरार के बाद तो गजब का ट्रैफिक है। तो जो भी अभी फिलहाल के लिए जा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से एक आध दो महीना ये काम चलने वाला है। बहुत ही बड़ा काम निकाला है पूरे रस्तों का, हाईवे पे तो बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है। हम लोग को ना विरार से यहाँ पे आने में ना भाई 2-3 घंटे लग गए हैं, खतरनाक ट्रैफिक था। तो सोच समझ के गूगल मैप्स देख के फिर निकले गुजरात की तरफ। बाकी यार अगर अनप्लान प्लान्स इतने खूबसूरत बन रहे हैं ना, तो भाई मेरे को लग रहा है कि अनप्लान प्लान्स ही बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था ये डेस्टिनेशन कुंभलगढ़, और वहाँ पे जाके यार गजब का कैंपिंग करके आए। जो नज़ारे, जो पहाड़, जो जंगल एक्सप्लोर करके आए ना, बहुत ही प्यारा था। तो ऐसे लग रहा है कि यार अभी प्लान करके नहीं, अनप्लान करके ही निकलते हैं, तो यार तगड़े प्लान्स और खूबसूरत प्लान्स बनेंगे। और यार राजस्थान की ये वाली खूबसूरती है ना, मैंने पहली बार देखी है। बहुत बार राजस्थान गया हूँ, लेकिन ऐसे पहाड़, ऐसा जंगल राजस्थान का ना मैंने पहली बार देखा है। तो कुंभलगढ़ जाना बनता है, उदयपुर से काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप राजस्थान एक्सप्लोर करने जा रहे हो ना, तो एक हाथ दो दिन कुंभलगढ़ डाल सकते हो, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर कैंपिंग करेंगे ना तो भाई गजब। और हाल ही में उसको टाइगर रिजर्व का अप्रूवल भी मिला है, तो भाई ये साल में है ना वहाँ पे टाइगर्स भी आ जाएंगे। तो भाई जिनको वाइल्ड लाइफ का शौक है उनको तो जाना बनता है, मस्त टाइगर सफारी और बाकी सारी जंगल की खूबसूरती एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाना तो क्या ही बताओ आपको, बहुत ही बढ़िया। ठीक है फिर यार, सुबह 4 बजे पहुंचे, अभी बज रहे सुबह के 9, ज़्यादा नींद हुई नहीं है और अपने को एडिटिंग भी करना है, ब्लॉग भी रिलीज़ करने हैं, तो थोड़ी देर सो लेते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। अगर आप लोगों को ये कुंभलगढ़ वाली सीरीज़ पसंद आ गई रहेगी, अपनी ये कैंपिंग वाली सीरीज़, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ट्रैवल करो विद दिस। बाय बाय, टेक केयर, live life, love life, love you guys, bye bye.